डिहाइड्रेशन होने पर शुगरी ड्रिंक्स नहीं बल्कि WHO द्वारा सुझाया गया ORS ले, विशेषज्ञों की राय। बढ़ती गर्मी में डायरिया से बच्चों की जिंदगी की रक्षा हेतु सुरक्षित ORS महत्वपूर्ण भूमिका होगी, विशेषज्ञों की सलाह। मुंबई सहित पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण डायरिया जैसी बीमारी मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण बन रही है। इस चिलचिलाती गर्मी में विशेषकर बच्चों में डिहाइड्रेशन निर्जीकरण का मुकाबला करना एक गंभीर चुनौती बन जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स ORS एक आवश्यक दवा होने के बावजूद ताज़ा NFHS 5 आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में डायरिया से पीड़ित सिर्फ 7.6% बच्चों को ही ORS मिलता है। इससे ORS पर ज्यादा जागरूकता और इसके उचित उपयोग की जरूरत है। मुंबई के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में उक्त विषय को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नानावती मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हेपेटोलॉजी एवं लिवर ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर डॉक्टर यबूर बोरकर और ग्लेनिगंज हॉस्पिटल परेल के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ललित वर्मा ने इस भीषण गर्मी में सोच समझ कर ORS का चुनाव करने के महत्व पर जोर दिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुद्ध पानी मिलना चाहिए, क्लीन वाटर, उसकी अवेलेबिलिटी जो गर्मी का सीजन है उसमें कम हो जाता है, काफ़ी दूर दूर से जाके पीने का पानी लेना पड़ता है, तो इसमें हो सकता है शुद्ध पानी ना मिले तो इसमें बीमारियां हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को बीमारियों से बचाएं, ये हमारी पहली स्टेप किसी भी बीमारी को हम जब उसको रोकना चाहते हैं तो उसमें जहाँ पे क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे पानी बच्चों को उबाल के दिया जाए। उबाल के वह जो पानी अगर देते हैं तो इन्फेक्शंस नहीं होते। अगर समझ लीजिए दस्त के जैसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पे पानी की कमी होती है, ऐसे में भी जैसे अब हमने अभी डिस्कस किया है कि वैसे ORS बनाने के लिए भी आप उबाला हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी पानी में जनरली बहुत ज़्यादा जब वो स्वच्छ नहीं दिखता है, साफ नहीं दिखता है, ऐसे में पहले इसको काफ़ी देर तक रखें ताकि सारा जो उसमें की जो मिट्टी होगी वो नीचे जम जाए। बहुत बार यहाँ पे तुर्टी नाम मतलब एक वो होता है जो अगर आप उसको पानी में करोगे तो सारा जो मैल है वो नीचे जम जाएगा। फिर उसको आप पानी इसको छानिए, फिर उसको उबालिए, तो उबाल के पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो पीने के लिए भी और ORS जैसे घोल बनाने के लिए। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी मुंह से देने के लिए जो एक घोल बनाया जाता है जिससे शरीर के भी पानी पूर्ण तरह से वापस दिया जाए। ORS बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। जब भी आप ORS का पैकेट खरीदते हो या फिर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से उसको लेते हो डिस्पेंसरी से, तो उसमें उसकी विधि भी लिखी हुई रहती है, तो वो भी पढ़ना चाहिए। अभी इंडिया में प्रॉब्लम है भारत में कि लोग वही लोगों को हो सकता है वो पढ़ना ही ना आए, इसलिए ये बताना भी उनको ज़रूरी है। इसको बनाने का तरीका ये है कि जो WHO ORS का पैकेट होता है वो एक पैकेट बना है 1 लीटर पानी के लिए। 1 लीटर पानी अगर गिने कैसे, तो जो हमारा स्टील का ग्लास होता है उसके 5 ग्लास, एक ग्लास तकरीबन 200 ml का होता है, ठीक है। तो 5 ग्लास पानी आप लें, अगर आप गिन सकते हो 1 लीटर तो बहुत अच्छा है, आप 1 लीटर प्रॉपरली गिनिए और उसमें एक पैकेट ORS का उसमें आप डालिए और उसको पूरा घोल कीजिए। ये जो घोल है ये 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इस ख़त्म हो जाता है तो बच्चे के वज़न के हिसाब से आपको एक पैकेट लग सकता है, 2 पैकेट लग सकता है, 3 पैकेट लग सकता है, तो आप नया बनाइए। अगर समझ लीजिए 24 घंटे पूरे हो गए तो उसको फेंक दीजिए, आप नया बनाइए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है कि आप उसको अच्छे स्टोर के एक मतलब समझ लीजिए आपने किसी इसमें बना के रखा है तो दूसरे जब ग्लास में आप लेते हो तो भी उसको प्रॉपर क्लीन हाथ धो के उसको बनाना है, हाथ धो के बच्चे के लिए इस्तेमाल करना है। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन जो उसका है वो सभी के लिए समान है, किसी भी एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी। उसकी मात्रा होती है कितना बड़ी व्यक्ति है, कितना उनका वज़न है और कितना मतलब इनको जो डिहाइड्रेशन जो है या पानी की कमी हुई है उसकी सीवियरिटी कितनी है उसके हिसाब से उसकी मात्रा पता। सर, ORS ऐसे मिलते हैं जो गोल्ड मार्केट में भी उपलब्ध है, तो असली कौन है, नकली कौन, कैसे बचा जाए उसमें?
सो बेसिकली WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो घोल आते हैं, पैकेट्स आते हैं या पहले से बने हुए टेट्रापैक आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि WHO अप्रूव्ड है, तो आपको वही लेना है एंड वही बच्चे या एडल्ट को पिलाना है। दूसरे जो आते हैं वो फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले ड्रिंक्स हो सकते हैं, उसमें WHO अप्रूवल नहीं आएगा, उसमें FSSAI आएगा जो हमें नहीं लेना है। और ये घोल जैसे हमने पहले भी कहा, उसको आप 1 से 2 लीटर, अगर छोटा बच्चा है 1 से 2 लीटर 24 घंटे में पिलाना है, हर घंटे में लगभग 40 से 50 ml जाना चाहिए। और अगर कोई अडल्ट है, बड़ा इंसान है, 18 के ऊपर है या 16 साल के ऊपर है, उसको अंदाजन 2 से 4 लीटर पूरे 24 घंटे में पीना है। सो ORS जो बनाया गया है वो डिहाइड्रेशन के लिए बनाया गया, जहाँ पे पानी और सॉल्ट की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। अब इनके अनेक कारण हो सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, हीट स्ट्रोक जो गर्मी में हो सकता है, ये सारे कारण हैं, या तो फिर जुलाब जो है वो हो सकता है। तो इनके कारण अलग है। ORS बेसिकली बनाया गया है कि आपका सिम्टम जो है, जो आपके पानी कम हो रहा है शरीर में और सॉल्ट, उसको दोबारा से पूर्ण किया जाए।